नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पंचायत सचिव सरकार का कल्याणकारी जनहितेशी नीतियों और कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने वाली मुख्य कड़ी नरेंद्र शिवाजी पटेल। भोपाल हेडलाइन, मध्य प्रदेश के 52 जिलों से भोपाल रोटरी भवन में आयोजित मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की 2024 की प्रथम साधारण सभा का आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और नरेंद्र शिवाजी पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं संगठन के प्रांत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी का सरकार प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बड़ी माला के साथ संगठन द्वारा भावभीन अभिनंदन किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस रूप से सरकार का इम्प्लीमेंट की मुख्य कड़ी है, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जन मानस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक कड़े परिश्रम मेहनत से ले जाता है। मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने पंचायत सचिवों की सेवाओं को मजबूत किया। आपकी घोषित हर एक मांग को लागू करवाने की जिम्मेदारी सरकार की, चरणबद्ध समस्याओं और मांगों के निराकरण के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे हैं। पंचायत सचिवों के परिवारों के बीमारी सहायता हर संभव मदद सदैव करने का आश्वासन हम विभाग की ओर से देते हैं। सचिवों के परिवार को आयुष्मान योजना से कवर किया गया है। जी हाँ, हमारे संगठन का वार्षिक कार्यक्रम था और इसमें हमारे अल्प निवेदन पर हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री सम्मानी नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से हमने अल्प निवेदन किया और उसमें उन्होंने आने की स्वीकृति दी। हमारे पंचायत सचिव संगठन पर यह बहुत बड़ा उपकार है और माननीय मंत्री जी जैसा सहज और सरल व्यक्ति शायद मंत्रिमंडल में कोई दूसरा हो। हाँ, हमारी मांगे तो क्या है, आदेश लगभग हो गए हैं। एक आयुष्मान योजना से पंचायत सचिवों को जोड़ने का है, तो आज हमारे बीच में स्वास्थ्य मंत्री आए हैं और माननीय भाई साहब ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ये वाली जो समस्या है इसका भी निराकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे आदेश तो हो गए हैं, केवल लाभ नहीं मिल पा रहा है, इम्प्लीमेंट हो जाए उसका बस। तो हमारे बीच आज नए वर्ष की वेला पर वो प्रथम बार हमारे कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे, इसके लिए उनका हृदय से पूरे संगठन की ओर से, मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिवों की ओर से और आपके माध्यम से भी मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सचिवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार की, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो, उसको धरातल पर क्रियान्वित करने की यदि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की होती है तो पंचायत सचिवों की होती है। तो निश्चित रूप से पंचायत सचिवों के इस महत्वपूर्ण संगठन की इस पारिवारिक कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। सभी पंचायत सचिव मेरे परिवार जैसे ही हैं, तो उन सबके बीच में आके चर्चा हुई है और निश्चित रूप से उनसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, इस भाव से मैं यहाँ पर आया। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत संवेदनशील हैं और उन तक जो भी पंचायत सचिव संगठन ने मांग रखी मैं उनको पहुंचाने का काम करूंगा और उनके साथ में सहानुभूतिपूर्वक जो भी समयबद्ध योजना से समाधान, मेरे को उम्मीद है कि उनका समाधान हो जाएगा। मार देते हैं इधर भी। हाँ, बोलो। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की ओर से वार्षिक साधारण सभा का आयोजन आज इस रोटरी भवन भोपाल में किया गया था। मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव लगातार अपने संगठन के माध्यम से सरकार द्वारा 3 अगस्त को जो मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को सौगात मध्य प्रदेश की सरकार ने सौंपी है, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए और सरकार के माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि के रूप में माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए ये साधारण सभा का आयोजन आज इस रोटरी भवन में किया गया था। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी के अध्यक्षता में इसके लिए सभी पंचायत सचिव, जो जिला अध्यक्ष हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पधारे, उन सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव के नियमितकरण की मांग को लेकर, एक सूत्री मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के सामने अपने नए एजेंडा को लेकर लगातार सरकार के सामने वो अपनी मांग रखेंगे और लगातार
पंचायत सचिव के नियमितकरण के लिए, पंचायत सचिवों की नियुक्ति दिनांक से गणना के लिए वो मध्य प्रदेश सरकार के सामने अपनी अपने एजेंडा को ले जाएंगे। इसके लिए क्रमबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के द्वारा आज बनाया गया है, उसको हम लगातार चरणबद्ध इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के सामने करेंगे। इसके लिए आज के ये कार्यक्रम में हमारे सभी जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पधारे, उन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।